बॉलीवुड इंडस्ट्री में साजिश का शिकार हुए थे गोविंदा, 16 करोड़ के नुकसान का किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 90 के दशक में गोविंदा सिनेमा पर राज करते थे। हालांकि बीते कुछ सालों में उनकी जो फिल्में आई हैं वह टिकट काउंटर पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। गोविंदा पहले भी कहते आए हैं कि उनके कैरियर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे ही कई मुद्दों पर बात की। फिल्म कुली नंबर 1 के रिमेक पर गोविंदा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिल्म पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और इसे नेगेटिव रिव्यूज भी मिले थे। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया, जिनके साथ कभी गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा कहते हैं कि आप मुझे कभी भी किसी के खिलाफ बोलते हुए नहीं पाएंगे, जबकि ज़्यादातर लोग मेरे बारे में बात करते हैं। मैं कभी भी किसी के काम को जज नहीं करता, क्योंकि मैं सभी की मेहनत और इन्वेस्ट किए गए पैसों की इज्जत करता हूँ। गोविंदा आगे कहते हैं कि पिछले 14-15 सालों में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने करीब 16 करोड़ का नुकसान उठाया। कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इनमें से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे। मेरी फिल्मों को थिएटर नहीं मिले और वो मेरे करियर को ख़त्म करना चाहते थे, जो हुआ नहीं। अब मैं बड़े पैमाने पर इस साल धमाका करने आ रहा हूँ। यह पूछे जाने पर कि क्या बॉलीवुड में उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है, गोविंदा ने कहा, जी हाँ, निश्चित रूप से हुआ था। जैसा कि कहते हैं ना कि अपने भी पराये हो जाते हैं, अगर भाग्य आपके पक्ष में नहीं है तो आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में गोविंदा ने डेविड धवन के खिलाफ बातें की हैं। इस पर गोविंदा कहते हैं कि जब मैंने राजनीति छोड़ी तो मैंने अपने सेक्रेटरी को फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहा, जिससे कि मैं सुन सकूं कि डेविड धवन क्या कहते हैं। मैंने डेविड को यह कहते हुए सुना कि गोविंदा बहुत सवाल पूछता है। वह मेरे सचिव से कह रहे थे कि अब मैं गोविंदा के साथ काम नहीं करना चाहता, उसे कुछ छोटी भूमिकाएं करने के लिए कहें।